20 करोड़ टैक्स चोरी के आरोप से सोनू सूद ने किया इनकार। आईटी रेड के बावजूद जारी रखेंगे एक्टर अपना काम। हजारों ईमेल्स और लाखों मैसेजेस से भरा सोनू का फोन। क्या कहा एक्टर ने, आइए जानते हैं। सोनू सूद ने लॉकडाउन के दौरान जो नाम कमाया था, फैंस को लग रहा है कि उनके इस नाम को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में सोनू सूद के यहाँ चली आईटी रेड के कारण एक्टर अपने घर से बाहर नजर नहीं आए। इसी बीच खबरें आई कि आईटी को सोनू सूद के अकाउंट से 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के सुराग मिले हैं। हालांकि इन खबरों को सोनू सूद ने सिरे से खारिज किया है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में सोनू सूद ने 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी को लेकर कहा कि ये आरोप निराधार है और वो देश के कानून को मानने वाले नागरिक है। इसके बाद अब लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल है कि आईटी रेड के बाद क्या सोनू सूद अपने काम पर वापस लौटेंगे या इसके वजह से ये काम अधूरा छोड़ेंगे, जिसके जवाब में एक्टर ने बात की। स्पॉट बॉय की रिपोर्ट के मुताबिक सोनू सूद ने कहा कि छापे 4 दिनों तक जारी रहे, अब ये खत्म हो गया है, कम से कम अभी के लिए। मेरे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है छुपाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण मेरे शुभचिंतक और समर्थक मेरे साथ है। 4 दिनों के बाद इंटरनेट और फोन पर फिर से सामने आने के बाद 53,000 ईमेल्स और 8 लाख मैसेजेस थे। मुझे लगता है कि मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया हूँ और जरूरत वाले लोगों के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ उसे जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। वेल, सोनू सूद के इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि उनके काम पर आईटी रेड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, जबकि वो और भी जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो चलिए, इस पर आपकी क्या राय है ये आप हमें जरूर बताइए। नीचे कमेंट कीजिए और बॉलीवुड नाव को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।